अगर इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स और 10,000 कमेंट्स आ गए तो BMW S1000RR अपने घर आ जाएगी। भाई कौन बोलेगा, ये सुबह के 4:15 बज रहे हैं। हमारा भाव रहेगा आपका नहीं, इसके लिए मैं दोनों साइड निकाल दूंगा। भाव उनका है, बाहर का खाने से पहले घर का खा लेने का। ये हेलो नमस्ते वालेकुम अल्लाह मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। अभी जा रहे हैं सहरी करने के लिए रमजान के दूसरे रोजे का, और कल वाले ब्लॉग में मैंने बात किया था स्पोर्ट्स बाइक को लेके, उसके ऊपर गहराई से चर्चा करेंगे। मैंने तो ये कल रात को ही डिसाइड किया था, देखो कैसे पता चला। तेरी बात से तुमने जो बोला ना स्पोर्ट्स बाइक जो लहजे से वो ठीक है। कल भी सुबह सुबह ठंडी थी, हाँ वही मैं बोल रहा था, कल भी मौसम एकदम ठंडा था सुबह सुबह के वक्त, और आज भी है चिल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, सहरी के वक्त यहाँ का जो माहौल है माहिम दरगाह का वैसा नहीं है जैसा शाम को होता है। घर जाने के लिए हमने लिया दूसरा रास्ता, बस आपको दिखाना चाहते हैं कि सहरी के वक्त माहौल क्या होता है। तो अभी हम हैं माहिम वेस्ट में, हम जाएंगे माहिम ईस्ट। इसको जाना कहाँ है, कहाँ ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे माहिम ईस्ट में। माहिम ईस्ट बोले तो धारावी, धारावी में सहरी का माहौल आपको दिखाएंगे। पब्लिक उठ चुकी है, और वाप रे वाप, ये तो माहिम का मेला है। ओहो सुबह के 4:30 बजे, ओहो और बाप रे बाप। भाई कौन बोलेगा, ये सुबह के 4:15 बज रहे हैं, क्रेजी है। क्या बोल रहा है शफीक, कितनी पब्लिक है? धारावी का खाओ गली। तो यहाँ पर हम इसीलिए आए थे क्योंकि समीर कल यहाँ पर आया था कुछ लेने के लिए, और उसने बोला भाई इतना ज्यादा भीड़ है। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, तो तभी मैंने सोच लिया था कि आज सहरी करने के लिए आएंगे तो ये वाले रास्ते से आएंगे। मिलिए हिंदुस्तान के नंबर वन ब्लॉगर मोहम्मद समीर खान। आज ब्लॉग नहीं कर रहा? कर रहा हूँ। अच्छा कर रहा है, क्या हुआ, सहरी लगी नहीं है? दस्तखान दस्तखान नहीं बिछाया गया, आ रहा है ऑन द वे। मैंने अपडेट भी दिया इंस्टाग्राम पर, लो सफ़र शुरू हो गया ब्लॉग का। नया दस्तखान पे खर्चा किया गया है 100 रुपये। लेकिन ये देख के लगता नहीं है 100 रुपये का, इतना महंगा था 200 रुपया, हम लोग ने 100 में लेके आया। एक नहीं लेके आए, 3 लेके आए, इसका एक छोटा वर्जन लेके आए और एक फ्रिज के लिए लेके आए। लेकिन देखने में प्रीमियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लाइफ में जुगाड़ होना बहुत जरूरी है। फिलहाल शुरुआत हो गई है बैंगन का सालन और आलू शान, राइस आ गया, राइस आ गया। तो आज यही है, आज नॉन वेज है कि नहीं? नॉन वेज नहीं होता तो इसका क्या होता? खाना कैसे पेट के अंदर जाता नली से? नहीं जाता ना, नीचे आता नहीं है ना, फंस जाता है, कम जाता है। तो नीचे ढकेलने के लिए लकड़ी चाहिए होता फिर। नॉनवेज आ गया। नॉनवेज में क्या है? राजा रानी मछली, राजा रानी, राजा रानी। तू तो मछली नहीं खाता है? मटर बुला था ना। शेट, तेरा क्या होगा रे? मटर बुला था, धोखा कर दिया। क्या होगा रे, कल लिया। चलो सहरी कर लेते हैं। टॉपिक के लिए स्पेशल अंडा बनाया गया है, ऑमलेट फ्राई, अल्टी पल्टी, अल्टी पल्टी मार गया। ठीक है, अभी खा सकता है? अभी उतरेगा खाना, नहीं तो उससे पहले अटक दिया था हमने, तो शुरू कर दिया है। ये जो खाली खाली सड़क है इसका यूज होने को मांगता है। अभी एक महीना ये खाली खाली सड़क हमें देखने मिलेगी, और स्पोर्ट्स बाइक को भी चलाने के लिए खाली खाली सड़क चाहिए। अभी घर पहुंचने के बाद नमाज पढ़ के मैं सो जाऊंगा, उठने के बाद जो मेरे दिमाग में चल रहा है स्पोर्ट्स बाइक को लेकर थॉटें, वो हम जरा डिस्कस करेंगे। जो भी दिमाग में चल रहा है वो आप लोगों से शेयर करूंगा, और आप लोग बताना कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स बाइक को लेके मेरे दिमाग में क्या थॉट चल रहे थे। R1 को मैंने बेचा, उसके पीछे का रीजन, मेन रीजन जो था वो था कि मुंबई में ट्रैफिक काफी होता है, और स्पोर्ट्स बाइक को लेके ट्रैफिक में चलाना इम्पॉसिबल। अगर चला भी लोगे ना तो इतने गर्म हो जाओगे, इतने रोस्ट हो जाओगे कि फिर कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तो
ट्रैफिक को बढ़ते देख मैंने सोचा कि अब इसको बेचना ठीक रहेगा, क्योंकि वो लायबिलिटी भी होती है, हर साल उसका लगभग 50 से 60 हज़ार खर्चा होता है। थोड़ा क्या बढ़िया दिमाग है मेरा, तो लायबिलिटी और असेट में अपने को फर्क पता है। अपने लिए वो असेट नहीं था, लायबिलिटी बन गया था, इसीलिए मैंने उसको बेच दिया। बट अपने को स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद है, उसको चलाने के लिए अगर सही जगह हो तो फिर स्पोर्ट्स बाइक से ज्यादा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये जो ख्याल है मेरा स्पोर्ट्स बाइक को लेने का, वो इसीलिए आया बिकॉज रमजान के वक्त रात को हम जागते रहते हैं सारे मियां भाई, तो मेरे पास एक महीना है स्पोर्ट्स बाइक को मैं दिल खोल के चला सकता हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक जो अभी के टाइम पे आ रही है ना, वो मुझे पसंद नहीं आ रही है, दिखाता हूँ। सबसे नंबर वन पे है R1, अपने को बहुत मतलब पहला प्यार, इसलिए अपने R1 लेते। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बाइक मुझे पसंद है वो है BMW S1000RR। लेकिन S1000RR जो अभी आ रहा है ना मार्केट में, वो मेरे को उसका लुक नहीं पसंद आ रहा है। वो ये है अभी जो मार्केट में मिल रहा है, पहले जो आती थी वो थी ये। इसका एक तरफ का लुक एकदम अलग है और दूसरी तरफ का लुक एकदम अलग है। एक तरफ उसका शार्क वाला डिजाइन है, एक तरफ नॉर्मल वाला है, तो ये ड्यूअल पर्सनालिटी लगता है। जैसे अपन ने अपने अफ्रीका ट्विन में किया था कि एक तरफ हमने ब्लैक रखा, एकदम रेड रखा, तो ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। और नई तो नहीं मिलेगी, ये अपने को लेना पड़ेगा सेकेंड हैंड। R1 का देख लो, अभी की जो R1 है वो ऐसी आ रही है और पहले की R1 ऐसी थी जो अपने पास थी। मतलब जब भी मैं इस बाइक को देखता हूँ ना, कुछ कुछ होता है। R1 तो अपन ने ले लिया, चला के भी देख लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि BMW S1000RR लिया जाए, लेकिन डाउट में भी हूँ कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग जो चाहते हो ना, वो मुझे कैसे पता चलेगा पता है? आप लोग के कमेंट्स है और आप लोग के लाइक्स है। अगर इस वीडियो में 50,000 लाइक्स और 10,000 कमेंट मात्र हो गए ना, बुक कर दूं, कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के लेके आ जाएंगे और बल्ले बल्ले। तो अपनी जनता, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपने इतना कर दिया ना, 10,000 कमेंट और 50,000 लाइक्स, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी जनता चाहती है कि स्पोर्ट्स बाइक लिया जाए फिर से। तो फटाफट कमेंट करो, लाइक करो, उसके बाद देखो फिर MSK आपको क्या करके दिखाता है। चलो बॉयज, टाइम हो गया यार। चल आज क्या लेके आने का अपने को? भी जाएंगे अपन अनानास लेने। पप्पा अनानास, पाइनएप्पल? पाइनएप्पल ठीक है। एप्पल और पाइनएप्पल क्यों बोलते, बता कुछ फर्क है क्या है, क्यों नहीं बोलते? वो अंग्रेज लोगों ने जो किया है ना, मेरे को भी नहीं पता। अपने पास जगह है कि नहीं? जब अपनी स्पोर्ट्स बाइक आएगी अगर, तो कहाँ रखेंगे? R1 तो वहीं रहती थी ना, यहाँ पर तो जगह नहीं है, यहाँ पर तो जगह खत्म हो गई, जगह तो है ही नहीं। हेले पाइनएप्पल इधर है, छोटा वाला सही लग रहा है, ये मेरे को सही लग रहा है। ये कितना? 100 वाला बोल रहे हैं। और वो तो ले लेना, ये वाला आज ही खाएंगे ना पूरा, एक टाइम पे आधा ले ले फिर वाला। फिर अभी क्या करेंगे, तू भावताव करेगा? मेरे को ऐसे जगहों पे भावताव करने नहीं होता है। मैं लाखों का भावताव कर सकता हूँ, हजारों का कर सकता हूँ, 100-100 रुपए नहीं होता मेरे से। दे दो ना 100 में, वो हमारा भाव रहेगा, आपका नहीं, इसके लिए मैं दोनों साइड निकाल दूंगा। भाव उनका है। अरे चल ले रे, तू 20 रुपए के लिए क्या रो रहा है यार, फटाफट ले जाना है, रोजा लग रहा है। और क्या, केला लेना है? ठीक है, पाइनएप्पल केला ले लिए, अब जा रहे हैं घर पे। इस बिल्डिंग में भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, बट इस बिल्डिंग में जमा नहीं, इतना धूल धूल। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हो गया? सलाम वालेकुम। ऑलरेडी फ्रूट कटिंग करके हो गया। सूफी क्या कर रही है? सूफी के पास क्या काम आया है, खाने का काम? ये तुमने काटा? वाओ, कितना रोजा है ये? आज का कितना रोजा है? 2 रोजा। अच्छा, आपके कितने रोजे हुए? मेरा तो रोज 2 रोजा हुए। ओ वाओ। मेरे सामने खा रही है तो मेरे को कुछ हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। आपका रोजा है ना? मुंह में पानी आ रहा है। ये हमने लाया था अभी पाइनएप्पल, सही इतना ही काटेंगे। हाँ, अच्छा है क्वालिटी? अच्छा, खाने के बाद सूफी बताएगी। 120 रुपए लिया है, सस्ता लिया या महंगा लिया अपने से? महंगा है, महंगा लिया। 100 तक का आ जाना चाहिए। क्या बोल रहे थे? मेरा प्राइस है, इसमें लेना पड़ेगा। मेरा वहाँ अकेले ही था वो। हाँ, मोनोपोली थी उसकी वहाँ पर, बट ठीक है। 120 का भी खराब निकल गया। खराब नहीं है, मार लग गया। चलो आज देखते हैं किचन में क्या स्पेशल है। चलो बताओ। ओ क्या है आज? समोसा, बटाटा भजिया, कांदा भजिया, समोसा, बटाटा भजिया, कांदा भजिया, ये चिकन सीख, होममेड चिकन, ये तो सॉसेज लग रहा है। बाहर का खाने से पहले घर का खा लेने का। ये
سلامات مدينة وين سلامات مدينة رول سلامات مدينة تريد سلامات جس تو كانت ريدي ہو گیا ہے آج باہر کا کچھ نہیں ہے سب گھر کا ہے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے कि आज बचने वाला है बचेगा कि सब खत्म होगा बताओ खत्म हो जाए तो अभी दुआ पट रहा है थोड़े टाइम में हो जाएगा अल्लाह की बरकत से बचेगा कुछ भी कुछ भी कुछ बरकत होगा बरकत होगा तो खत्म होगा ना अरे खत्म ज्यादा हो जाता है उसको बरकत बोलते हैं मेरे को ऐसा लग रहा है बरकत मतलब कि सब खत्म हो गया बचा नहीं क्योंकि बच गया तो मतलब अशुभ है ना कि बच कैसे गया खाना नहीं बच गया मतलब कि वो दूसरों के मतलब वो उस पे दूसरे का नाम लिखा हुआ है बट दूसरे का नाम पे जाता नहीं बाद में अपने नाम पे होता अपने पेट में आता है हां वही आज चटनी भी है कल चटनी नहीं थी आज ये भी है कल नहीं था चटनी में नमक है कि नहीं ये डाउट है मतलब मैं डाली हूं बट कम पड़ेगा लगता है ज्यादा है तो सफेद का कम पड़ेगा है ना यहां पे एक्स्ट्रा लेके ठीक है इफ्तारी करके हो गया और बच गए थोड़े थोड़े बच गए यहाँ बच गए वहाँ बच गए वैसे भी कल से मुकाबले इफ्तारी ज्यादा थी ये बचा हुआ कम नहीं पड़ रहा कल 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 सही था लेकिन कल इफ्तारी देख के ऐसा लग रहा था कि कम पड़ जाएगा बट बराबर हो गया था आज थोड़ा ज्यादा हो गया बट ठीक है थोड़ा सा है अभी एक दो घंटे बाद फिर से भूख लगेगा तो खा लेंगे चना लेके जाऊँ अपने साथ समझा गया चने जैसे ही माँ की आँख लेफ्ट साइड से जैसे ही खाना खाली पेट में जाता है एक अलग सा नशा हो जाता है नींद आने लगती है इसी रोड पे अपनी स्पोर्ट्स बाइक आएगी ब्रूम 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 वैसे स्पोर्ट्स बाइक अपना पहला प्यार है मतलब पहला कोई सुपर बाइक मैंने लिया था वो स्पोर्ट्स बाइक था इतने दिनों बाद फिर से स्पोर्ट्स बाइक इमोशनल चाहिए फीलिंग होगी अपने कम्फर्ट जोन से हटकर सोचने की जरूरत है मुझे ऐसा लगता है अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मजा लेना है तो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा तो ये सारी जो बातें मैं अभी कह रहा हूँ ना ये एक्चुअली मेरे दिमाग में चल रही है और मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ कि ये करना पड़ेगा ये करेंगे तो ये होगा अगर ये होना है तो फिर ये नहीं होगा जैसे मैं रोज़ा खोलता हूँ पता नहीं नींद से आती है तो मैं अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक पावर नैप ले लूँ उसके बाद उठकर फिर मैं अपना जो भी एक्सरसाइज जिम है वो करूँगा आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा अगर मज़ा आया तो आपको करना है 10,000 कमेंट और 50,000 लाइक क्योंकि अगर ये हो गया तो उसके बाद तो आपको पता है कि हमारे BMW S1000 RR आ जाएगी या कोई और स्पोर्ट्स बाइक बट मन मेरा BMW S1000 RR पे है बाकी सब एकदम बढ़िया थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बट खुद हाफिज लिव अ लाइव लिव अ ड्रीम बूम ये उसने 200 रुपए मांगा था हां तो 100 में डील कर दिया थोड़ा पेट अंदर कर हां ठीक